सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि IIT ISM का राउंड 3 का कट ऑफ आउट हो गया है, तो मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन व्यू करके दिखाऊंगा कि राउंड 2 में क्या कट ऑफ थे और राउंड 3 में कट ऑफ क्या गए हैं। जैसा कि मैंने हर बार बोला है कि IIT ISM धनबाद लो गेट स्कोर वाले स्टूडेंटों के लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों का गेट स्कोर काफी कम है उनके लिए IIT ISM धनबाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। यदि मैं बात करूं सर कि IIT ISM धनबाद का राउंड 3 कट ऑफ डिस्कशन कर लेते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं राउंड 2 को कंपेयर करेंगे राउंड 3 से। ठीक है, सो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के सामने सबसे पहले राउंड 2 के कट ऑफ रखे गए हैं। राउंड 2 के कट ऑफ, वैसे मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम आईडी पे शेयर कर दूंगा, तो आप सभी लोगों से कहना है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना। सर आपका टेलीग्राम आईडी क्या है? मेरा टेलीग्राम आईडी है अतुल सर अंडरस्कोर IITKGP, अतुल सर अंडरस्कोर IITKGP, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। इस टेलीग्राम आईडी को आप ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम आईडी पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मैं रियली बता रहा हूँ, इतनी अच्छी टेलीग्राम आईडी बन चुकी है ये। इस टेलीग्राम आईडी पे जितने भी स्टूडेंट जो भी इन्फॉर्मेशन आती है एक दूसरे डिस्कस करते हैं बच्चे, और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो प्लेसमेंट की न्यूज़ हो, चाहे वो एडमिशन की न्यूज़ हो, सारी न्यूज़ इस टेलीग्राम आईडी पर आपको मिलती है। तो क्या सर टेलीग्राम आईडी ज्वाइन करना चाहिए? यस, आप लोगों को अतुल सर अंडरस्कोर IITKGP पर टेलीग्राम आईडी ज्वाइन करना चाहिए। ये काफी अच्छी टेलीग्राम आईडी है पोस्ट गेट काउंसलिंग के लिए। ठीक है सर, ज्वाइन कर लेंगे। अब तुम आ जाओ उस पे। केमिकल ब्रांच की यदि मैं बात करूं, मैं यदि केमिकल ब्रांच की बात करूं, तो केमिकल ब्रांच में आप देखिए राउंड 2, ये राउंड 2 कट ऑफ है। राउंड 2 में कट ऑफ गया था 350, 350। ओके, जनरल कैटेगरी का। एक बार मैं राउंड 3 का कट ऑफ देख लेता हूँ। राउंड 3 में कट ऑफ हो गया 325। देख लो भाई कितना डिक्रीज हुआ है। इतना डिक्रीज कहाँ होता है, कहाँ होता है डिक्रीज। इसलिए बोलता हूँ लो गेट स्कोर वाले बच्चों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये तुम्हारे लिए। तो केमिकल ब्रांच का राउंड 1 का कट ऑफ 350 था, जनरल कैटेगरी का राउंड 2 का राउंड 3 का कट ऑफ गया 325। करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो। मैं एक बार कंप्यूटर साइंस जरूर देखूंगा, आपके सिविल वाले बच्चे देख लेना। सिविल वाले बच्चों राउंड 2 में 570 था और अभी तुम्हारा 547 गया। मैं कंप्यूटर साइंस की बात करता हूँ सर। कंप्यूटर साइंस में मैं रियली बता रहा हूँ, इस बार हमको कुछ चीजें कम देखने को मिल रही हैं, लेकिन तब भी आपको बता दूं कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ गया था 745 और राउंड 3 का कट ऑफ है 744। सर खाली एक गेट स्कोर कम हुआ कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में फाइट बहुत बड़ी फाइट है, बच्चे भी ज्यादा बैठे थे इस बार। मैं आपको बता दूं सर बच्चे भी बहुत ज्यादा बच्चे बैठे थे और फाइट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट है कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस में गेट स्कोर गिरेगा, नहीं गिरेगा, गिरेगा लेकिन 4-5 राउंड के बाद गिरेगा, 4-5 राउंड के बाद गिरेगा, क्योंकि अभी बच्चे क्या करके बैठे हैं, अभी बच्चे अपने सीट को फिक्स करके बैठे हैं, रिटेन और वेट करके बैठे हैं। तो सर राउंड 3 में ये कट ऑफ 744 गया, राउंड 2 में कट ऑफ 745 था, एक गेट स्कोर कम है खाली। यहाँ पे जहां मैं ओबीसी देखूं राउंड 2 में 701 था और यहाँ पे कट ऑफ कितना हुआ 698। सर 2-3 गेट स्कोर कम हो रहा है खाली सीएस में। सीएस में सीरियसली 2-3 गेट स्कोर ही कम हुआ है आपका कंप्यूटर साइंस में। अब यदि मैं आगे बात करूं सर डेटा एनालिटिक, जो कि बच्चे डीए वाले पेपर वाले बच्चे, एमए वाले पेपर वाले बच्चे, यहाँ पर भी फाइट ज्यादा है, लेकिन देखिए तुम्हारा डेटा एनालिटिक जो डीए ब्रांच के हैं, जो डीए गेट का पेपर दिए थे 764 कट ऑफ राउंड 2 एंड द राउंड 3 वर द कट ऑफ 753 कट ऑफ राउंड 3, ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं है। एमए में फॉर एमए 606 चेंज होके 586। तो गाइस दीज आर वेरी वेरी गुड ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस इज वेरी गुड ब्रांचेस, डेटा एनालिटिक इज अ वेरी गुड ब्रांच। तो यहां पर आपको वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा, केमिकल में सिविल में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस डेटा एनालिटिक में आपको नहीं देखने को मिल रहा। सर कब आप हमको बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स की। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं तो एक मिनट के लिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को नोट कर लेता हूं और थोड़ा डिक्रीमेंट देखेंगे जनरल कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी डिक्रीमेंट कितना हुआ राउंड 2 से राउंड 3 का। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके सारी चीज लिख लेता हूँ। तुम्हारा ब्रांच है CSP, कंप्यूटर साइंस सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच है। एक ब्रांच है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल लिख देता हूँ OP ऑप्टिकल। ठीक है बच्चों, और एक ब्रांच है तुम्हारे पास RF एंड माइक्रोवेव, और एक है VLSI। एक है तुम्हारे पास RF और एक है तुम्हारे पास VLSI। एक बार जनरल कट ऑफ देख लो एक बार के लिए सर। 613, 548 सर, 613 दिस वाज द 548। इंडेक्स RF का कितना है सर? RF का है तुम्हारे पास 573
और VLSI का कितना है तुम्हारे पास? VLSI का है तुम्हारे पास 628 सर। अब आप ये राउंड टू के कट ऑफ थे, अब तुम राउंड थ्री से कंपेयर करो, देखो कितना कम हुआ है। ओके राउंड थ्री पर आ जाओ, राउंड थ्री पर आया ये कट ऑफ, SP का कट ऑफ है 589। ठीक है सर 589 डिक्रीज तो हुआ है। और नेक्स्ट तुम्हारा कट ऑफ तुम देखो OC का 524, सर ये भी डिक्रीज हुआ है, 20-30 कम हुए गेट स्कोर। और माइक्रोवेव 548, ये भी डिक्रीज हुआ है। और VLSI आपका 613, ये भी डिक्रीज हुआ है। इस बार हमने एक चीज ऑब्जर्वेशन करी राउंडों को देख के, हमने ये भी ऑब्जर्वेशन किया कि VLSI के कट ऑफ ज्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्वेशन किया कि भाई VLSI के कट ऑफ ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, बाकी कट ऑफ डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि VLSI का डिमांड इस ईयर काफी ज्यादा आया है स्टूडेंटों के प्रति। स्टूडेंट काफी बच्चे चाह रहे हैं कि हमको VLSI ब्रांच मिले। तो सर यदि मैं राउंड टू से राउंड थ्री को देखूं, राउंड थ्री से राउंड थ्री, तो सर ये अच्छा खासा डिक्रीमेंट है। मैं अच्छा खासा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये तुम्हारा 25-24 डिक्रीज हुआ है स्कोर, करीब करीब 24 गेट स्कोर डिक्रीज तो हुआ ही है। यदि मैं बात करूं आप लोगों से 548, तो ये भी सर 24 डिक्रीज हुआ है। यस सर, यदि मैं 573 से 548 की बात करूं, 13 में 8 गया दिस वर्द 5, और नेक्स्ट 6 में 4 गया दिस वर्द 2 सर 25। लेकिन यहाँ पे डिक्रीमेंट आपको इतना देखने को नहीं मिला, सब जगह 24-25 देखने को मिला, लेकिन 628 से 613 यहाँ पर आपको खाली 15 गेट्स को डिक्रीज देखते हुए मिला। तो सर ये तो आपने सही बोला कि वाकई में VLSI में कट ऑफ कम, मतलब ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं हो रही है। तो सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का वेरिएशन तुमने बताया, ठीक है सर। यदि हम OBC को देखें तो OBC को आप देख सकते हो, देख सकते हो OBC को। OBC में SP कट ऑफ 534, 472, 484, 578 ऐसा था। VLSI देख लो, VLSI में 578 था OBC, अब VLSI में कितना है 560। देख रहे हो कितना हुआ डिक्रीज सर? सर कुछ हुआ ही नहीं, ज्यादा बड़ा डिक्रीमेंट नहीं है। हाँ 10-20 गेट स्कोर का फर्क है। तो यस हमको ये देखने को पता लग रहा है कि इस बार VLSI का डिमांड काफी ज्यादा है। वैसे कंपैरिजन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये कंपैरिजन आपके सामने दिखा दिया है वो भी जनरल कैटेगरी का, जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाए। करस्पॉन्डिंग ब्रांचेस में भी इतना ही डिक्रीज हुआ है गेट स्कोर, ठीक है सर। ओके और बाकी यदि मैं राउंड थ्री की बात करूं, बाकी में यदि राउंड थ्री बात करूं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होते हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट होते हैं, मशीन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, वहां पर आपकी कट ऑफ 593, 593, 516, 560 देखने को मिला। पहले चूंकि पहले कट ऑफ कितना था, ये पहले कट ऑफ यदि आप देखो मशीन डिजाइन का 612 और मैन्युफैक्चरिंग का 531 और 584। ओके तो यस डिक्रीज हुआ है, यस डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 593, 516, 563 डिक्रीज हुआ है। ज्यादा ज्यादा बड़ा डिक्रीमेंट नहीं है, लेकिन हाँ 20 करीब का डिक्रीज हुआ है गेट स्कोर। सर अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। यदि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इस बार इन लोगों ने दो ब्रांच अलग अलग बना दी, एक तो पावर सिस्टम और एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, एक पावर सिस्टम एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सर राउंड टू जनरल कैटेगरी देख लेते हैं, जनरल कैटेगरी का राउंड टू में क्या था और राउंड थ्री में क्या हाल है देख लेते हैं एक बार के लिए। सर यदि हम डिस्कशन करें, सर यदि हम डिस्कशन करें पावर सिस्टम का, नीचे होगा आई थिंक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कट ऑफ है 589, 547, 589, 547, ठीक है एक बार लिख लो सर, दिस वाज द 589 और ये है 547, ठीक है जनरल कैटेगरी। अब राउंड थ्री में क्या हुआ, राउंड थ्री में क्या हुआ, राउंड थ्री में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 573 पे गिर गया, 573 पे गिर गया। और तुम्हारा पावर सिस्टम कितने पे गिर गया, तुम्हारा पावर सिस्टम 538 पे गिर गया। सर ज्यादा डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, देखो ये होता ये है कि बच्चे रिटेन वेट ऑप्शन रखते हैं, तो जब तक बच्चों के हाथ में रिटेन वेट ऑप्शन रहेगा तब तक आपको ज्यादा डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जब तक रिटेन वेट ऑप्शन रहेगा तब तक आपको ज्यादा डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही रिटेन वेट ऑप्शन हट जाएगा, सर ये कब हटता है, ये राउंड फोर के बाद रिटेन वेट ऑप्शन हट जाता है, राउंड फोर के बाद रिटेन वेट ऑप्शन हट जाता है। फिर क्या ऑप्शन रहते हैं, दो ऑप्शन रहते हैं, या तो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट। तो तब बहुत बड़े वेरिएशन देखने को मिलते हैं गेट स्कोर में, और वही चैलेंजिंग राउंड होते हैं कि वहीं पर बच्चे, वहीं पर लो गेट्स वाले बच्चे, लो गेट्स वाले स्टूडेंट्स बाजी मार जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर लो गेट्स स्कोर स्टूडेंट्स। तो सर वैसे देखने को ज्यादा नहीं दिख रहा, 547 से 538, 589 से 573, ज्यादा बड़ा डिक्रीमेंट नहीं है सर, ये ज्यादा बड़ा डिक्रीमेंट नहीं है। तो ये मेरे राउंड थ्री के कट ऑफ थे,
वैसे राउंड थ्री के कट ऑफ में टेलीग्राम पे डल चुके हैं, तो गाइस टेलीग्राम आईडी पर तुम्हारे पास राउंड टू के कट ऑफ भी हैं, राउंड थ्री कट ऑफ भी हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं, और अपने अपने जो जो जिस ब्रांच का स्टूडेंट है वो कंपैरिजन कर सकता है। भाई मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ओके, मंडे टू फ्राइडे में लेके आ नहीं पाता वीडियोस को, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी ज्यादा रहता हूँ, मंडे टू फ्राइडे जॉब भी रहती है मेरी। सो गाइस राउंड टू टू राउंड थ्री ये जो है आप लोगों के, ये आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम आईडी पर। तो टेलीग्राम आईडी अतुल सर अंडरस्कोर IITKGP, दिस इज माई टेलीग्राम आईडी बच्चों, अतुल सर अंडरस्कोर IITKGP, अतुल सर अंडरस्कोर IITKGP, तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है जो आप लोगों को ज्वाइन करना होगा। ओके बच्चों, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है अतुल सर अंडरस्कोर IITKGP जो आपको ज्वाइन करना होगा, क्योंकि इसी टेलीग्राम आईडी के थ्रू आप मेरे से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इस टेलीग्राम आईडी पर बहुत स्टूडेंट हैं पोस्ट गेट काउंसलिंग के। और लास्ट बात गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए इतनी वीडियो बनाता हूँ तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता ही है, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाए राउंड थ्री की। थैंक यू बच्चों।